हेलो एवरीवन, इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आज हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेत वाचक, इसका मतलब यह है कि इशारा करने से रिलेटेड है, से बनने वाले इंग्लिश सेंटेंस को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। दिस इसका हिंदी मीनिंग यह होता है, यह डिमोन्स्ट्रेटिव संकेत वाचक सर्वनाम है। इसका प्रयोग पास के किसी एक व्यक्ति, पास में रखी हुई या पास में जो भी चीज है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है या कोई वस्तु हो सकता है, उसको बताने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। पास के किसी एक व्यक्ति, एक व्यक्ति मतलब सिंगुलर एक वचन, और पास की एक वस्तु मतलब कोई एक सिंगुलर होना चाहिए वस्तु को बताने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। यदि इसका स्ट्रक्चर फॉर्म देखा जाए इंग्लिश में, तो दिस प्लस इज जो सहायक क्रिया है वह यूज करेंगे, और एकवचन संज्ञा के में हम आर्टिकल ए और एन का ही यूज करेंगे और प्लस नाउन यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर फॉर्म ऐसे बनता है, दिस मतलब यह है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब में इज यूज करेंगे, फिर आर्टिकल यूज करेंगे, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट या नाउन रखता है। एक बार और समझ लीजिए, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्म दिस प्लस इज प्लस ए एन प्लस नाउन होता है। हमें पास की कोई भी एक वस्तु हो और एक व्यक्ति को इशारा करने के लिए, संकेत बताने के लिए, या पास में रखी हुई हो जो, तो कंडीशन यहाँ यह है कि किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति जो सिंगुलर हो और वह क्या हो, पास में ही हो, तब हम दिस का यूज करते हैं। तो चलो एग्जाम्पल के रूप में सेंटेंस देखते हैं। यह एक मैदान है, पास में है मैदान, इसलिए हम कह रहे हैं यह एक मैदान है। दिस इज अ ग्राउंड। यह एक पेन है, पास में और पेन सिंगुलर है, एक लिखा है, राइट? इसलिए दिस इज अ पेन। यह एक कच्चा आम है, एक है कच्चा आम है, सिंगुलर है और पास में है। कोई भी फ्रूट्स हो, यदि वह कच्चा है तो उसके लिए हम ग्रीन शब्द का यूज करते हैं, इसलिए दिस इज अ ग्रीन मैंगो कहेंगे। यह एक उपयोगी पुस्तक है, दिस इज अ यूजफुल बुक। यह एक विदेशी कार है, दिस इज अ इम्पोर्टेड कार। दिस इज अ इम्पोर्टेड कार। यह एक बहुत बोलने वाली महिला है, दिस इज अ टॉकेटिव लेडी। बहुत बोलने वाले या बातूनी के लिए टॉकेटिव शब्द यूज करते हैं, और विदेशी के लिए इम्पोर्टेड यूज करते हैं। यह आपके प्रैक्टिस के लिए है, जिसमें पहला सेंटेंस आपको कमेंट करनी है और मीनिंग के रूप में कच्चे आम के लिए ये सारे, ग्रीन मैंगो, सुंदर फूल के लिए ब्यूटीफुल फ्लावर, टेम्पल और होटल लिखा हुआ है, और आपको ये प्रैक्टिस करनी है।